स्वर्गीय परम श्रद्धे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म दिवस के इस पावन दिन 6 जुलाई और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के बहुत ही पावन और पवित्र स्थल यह कच्ची छावनी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का भी स्थल है, आज इस पवित्र स्थल पर पवित्र दिन भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला, जम्मू पश्चिम जिला तथा कश्मीर विस्थापित जिला के 3 कार्यालयों का जो आज यहां उद्घाटन किया गया नवीनीकरण कार्य से, यहां कार्यालय तो चलते थे लेकिन यहां मॉडर्नाइजेशन इन ऑफिसेस की गई और आज का पवित्र दिन तय किया गया कि आज 6 जुलाई स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म दिवस के पावन दिन ये हमारे लिए बहुत पूजनीय स्थल है, ये हमारे लिए तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान जैसे मथुरा, काशी, वृंदावन, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों पर जाकर व्यक्ति सुखद अनुभव करता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक स्वयंसेवक इस स्थान पर आकर बहुत सुखद अनुभव करता है। कार्यालय हमारे लिए बहुत पूजनीय स्थल होता है, मंदिर के समान होता है, वो हमारी पार्टी की गतिविधि का केंद्र होता है। साथियों, आज जिस मुकाम पर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, आज जम्मू कश्मीर के हर पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आज हर शक्ति केंद्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि होती है, हर मंडल, जिला, प्रांत, जम्मू हो या कश्मीर घाटी हो, आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो भारतीय जनता पार्टी का विशाल स्वरूप आपको दिखाई देता है उसके पीछे इसी तपो स्थल, इसी तीर्थ स्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसलिए जब भी हम स्थान पर आते हैं दोनों हाथ जोड़ के नमन करते हैं, वंदना करते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार संसद भवन में गए तो संसद भवन की सीढ़ियों में उन्होंने नतमस्तक होकर लोकतंत्र के उस मंदिर की पूजा अर्चना की थी, उसी प्रकार हमारे लिए यह स्थान महत्वपूर्ण। साथियों, आज 6 जुलाई का दिवस और हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म दिवस हुआ। कलकत्ता के अंदर जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक प्रधान, एक विधान, एक निशान के लिए जो उग्र आंदोलन किया था, लखनपुर पंजाब से जब माधवपुर पार करके लखनपुर आते थे तो परमिट सिस्टम चाहिए होता था, उस वक्त के जो दिल्ली के अंदर बैठे कांग्रेस के हुक्मरान थे या जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुक्मरान थे, उन्होंने एक विभाजनकारी सीमाएं बना दी थी, ऐसे कानून बना दिए थे, ऐसे प्रपंच खड़े कर दिए थे, ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर भविष्य में पता नहीं भारत के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर में आने के लिए परमिट सिस्टम चाहिए होता था, परमिट सिस्टम उस वीजा पासपोर्ट के जैसा है जैसे आपको अमेरिका, इंग्लैंड, आपको कहीं जापान, जर्मनी, रूस, फ्रांस जाना। जब जम्मू कश्मीर भारत भूमि है और जम्मू कश्मीर केवल जम्मू कश्मीर 1947 से भारत भूमि नहीं है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमद्रस्य एव दक्षिणम वर्ष तद नाम भारत भारती यत्र संतिता, यजुर्वेद के अंदर लिखा है। आदि अनादि काल से ये हमारी मातृभूमि है, लेकिन इन कांग्रेसियों के षड्यंत्रकारी जो रणनीति थी, अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने षड्यंत्र किए कि जम्मू कश्मीर में आने के लिए आपको परमिट सिस्टम चाहिए, किसी को हरिद्वार जाना है, मथुरा, काशी, वृंदावन जाना है, किसी को किसी तीर्थ स्थान में जाना है और देश भर के किसी धार्मिक सज्जन पुरुष को माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन आना है, अमरनाथ जी, नंगाली साहब, पुंछ में जाना है या किसी और देव स्थान शाहदारा शरीफ जैसी श्राइन में जाना है तो आपको पासपोर्ट चाहिए, परमिट चाहिए। उसके लिए उग्र आंदोलन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की क्यादत में और महाराजा हरि सिंह बहादुर जो कि हमारे भारतीय जम्मू कश्मीर के अंदर प्रजा परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक थे महाराजा हरि सिंह बहादुर, इन सब ने मिलकर आंदोलन लड़ा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तिरंगा झंडा लेकर बिना परमिट जम्मू कश्मीर के अंदर आए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया,
23 जून 1953 को उनकी श्रीनगर के अंदर जेल में हत्या कर दी गई। पूरे देश में उग्र आंदोलन हुआ। दो प्रधानमंत्री होते थे, एक भारत का एक यहाँ। वो उस आंदोलन के बाद समाप्त हुआ, लेकिन दो झंडे और दो कानून यहाँ थे। सतत संघर्ष हुआ और फिर वो दिन, पवित्र दिन आया 5 अगस्त 2019 को, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की अध्यक्षता में और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने वो दो निशान और दो विधान भी मिटाकर पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर का एकीकरण भारत के साथ किया। अभी हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी वो माँ शारदा जो अभी भी दुश्मन के कब्जे में है, माँ शारदा मुजफ्फराबाद, वो हमारा शारदा पीठ, वो हमारा पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिम्बर बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली, सुदनोती, ये हमारे क्षेत्र हैं। गिलगित बल्टिस्तान, ये क्षेत्र वापिस हमने लेने हैं और तिरंगा झंडा वो शान से हमने फहराना है। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने संकल्प लिया है, या तो मैं ये परमिट सिस्टम समाप्त कर दूंगा और नहीं तो बलिदान दे दूंगा, इस प्रकार का संकल्प प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर आगे की उस भूमिका और उस रणनीति के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर आप सभी कार्यकर्ताओं को हमारे तीनों जिला, जम्मू जिला, जम्मू पश्चिम जिला और कश्मीर विस्थापित जिला के अपने सभी कार्यकर्ता भाई बहनों, नौजवानों को आज के इस उनके लिए जो कार्यालय की यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है, मैं इस सबकी आपको बधाई देता हूँ। जिन जिन ने भी इस कार्यालय के निर्माण में दिन रात अपना सहयोग और योगदान दिया है, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।